बस मुझे यूजर का कमेंट आया था कि भाई मैं बिगनर हूँ और मुझे कितने डीप वाटर में स्विमिंग करनी चाहिए। तो देखो ऐसा है, मुझे आपकी हाइट नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आपका क्या फैट है, क्या आपकी हाइट है और कितना आपको डर लगता है, ठीक है। तो ये कोई भी ऐसे नहीं बता पाएगा कि आपको कितनी हाइट में स्विमिंग करनी चाहिए। तो वैसे मैं हाइट के अकॉर्डिंगली बता दूँ कि जितनी मर्जी आपकी हाइट है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका पानी चेस्ट के यहाँ तक आना चाहिए। कोई भी मतलब कि जो मेरे व्यूजर वीडियो देख रहे हैं या कोई बिगिनर है, उसको अगर पहले दिन पानी में जाना है और स्विमिंग की प्रैक्टिस करनी है तो कोशिश करो कि पानी की जो हाइट है वो इतनी हो। अब जैसे मेरी हाइट है 5'3", ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं पूल दिखाता हूँ। पूल है वहाँ से 2.5 फुट गहरा है। ऐसे ही जैसे जैसे आए जाएंगे वैसे वैसे डिप इसकी बढ़ती जाएगी। वो हमारे सब्सक्राइबर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मेरी 5 फुट हाइट है तो मेरे चेस्ट जितना, जैसे इसके चेस्ट से थोड़ा नीचे जा रहा है तो इसको स्विमिंग आती होगी, यानी ये यहाँ रुका हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वीडियो बनती है। अब जैसे ये भाई देखो, इतना पानी चेस्ट में आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको हेलो उसके अकॉर्डिंगली तो सीन क्या है, अब जैसे हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंगली आपको पानी में डीप में जाना है। यानी कि आपकी हाइट लंबी है और कम डीप में हो, इससे क्या होगा, इससे आप बार बार गिरोगे, आपका डिसबैलेंस होगा। तो आपको हाइट के अकॉर्डिंगली, अब जैसे मेरी 5 फुट हाइट है तो मुझे मोस्टली 4 फुट से थोड़ा सा ऊपर है ना कि मेरे चेस्ट जितना पानी है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे उधर ये बच्चा देख रहे हो, इसके चेस्ट के बराबर हाइट है, मतलब कि इतना बच्चे की जितना पानी है ना, इसी हाइट के हिसाब से आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, इससे आप गिरोगे नहीं, पानी में गिरोगे नहीं, क्या होता है कि लेग्स ऊपर हो जाती है, आप गिर जाते हो, ये चीज़ नहीं होगा। समझ में आ रहा है, जो आपकी हाइट है, जो भी एनीथिंग का हाइट है उसके अकॉर्डिंगली आपके चेस्ट जितना पानी होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये इसकी हाइट ज़्यादा है और ये ज़्यादा है तो ये पानी में गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, इनके पानी में गिरने के चांसेस रहते हैं स्टार्टिंग में। जो बिगिनर होता है, तो जो बिगिनर होता है ना, उसके जब पानी बॉडी ऊपर रहती है और पानी लेग्स में कम रहता है तो उसमें सीन क्या होता है, उसमें सीन ये होता है कि हमारी लेग्स मूवमेंट अप हो जाती है, हमारी बॉडी मूवमेंट गिर जाती है, तो क्या होता है कि हम डूबने लग जाते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपका जो पानी का लेवल है वो यहाँ तक रहना चाहिए, इसे थोड़ा नीचे कर लो, इतना कर लो, चाहे इससे ऊपर कर लो, मेन है शोल्डर के आसपास ही रहना चाहिए, इतना पानी रहना चाहिए। इससे आप एक तो पैनिक नहीं होगे, एक आपका जो बैलेंस है वो इजीली बना रहेगा, ठीक है। क्या होता है कि हम जब पानी थोड़ा सा मुंह में जाता है हम खड़े हो जाते हैं, तो कम पानी में जब हम खड़े होते हैं कमर से नीचे होता है तो हमारी अपर वाला पार्ट ना पानी के साथ ऐसे हल्का हिलता है, देन हम गिर जाते हैं। तो गिरने की वजह से क्या होता है कि हम पैनिक होने की वजह से एकदम उठ के चलने की कोशिश करते हैं, हमारी जो लेग मूवमेंट है वो चलती नहीं है और अपर वाला पार्ट आगे चल जाता है जिसकी वजह से हम गिरते हैं, रीज़न ये रहता है। तो जब आपके चेस्ट के बराबर पानी रहेगा ना तो थोड़ा सा पानी के तो आप सिर्फ फेस बाहर निकालोगे तो आपकी बॉडी पूरी बैलेंस रहेगी, दीवार के पास रहना। क्लियर समझ में आ गया कि कितनी हाइट में आपको स्विमिंग करनी चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पानी होना चाहिए। अब आपकी 3 फुट हाइट है, जैसे ये स्विमिंग पूल उधर 2.5 फुट से लेके इधर 5.5 फुट है, ठीक है, तो ऐसे डेप 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 है, तो उसके हिसाब से आपको खड़े होकर स्विमिंग करनी है। क्लियर समझ में आ गया, पहले मैंने इस पर वीडियो बनाई है। तो एक्चुअली अगर आपका कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप प्ले लिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको सारे मोस्टली मैंने सब पे वीडियो बनाई हुई है। तो क्लियर समझ में आ गया, आप सोच लो कि आपकी जो हाइट है उसके हिसाब से आपकी चेस्ट जितना पानी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चे खड़े हुए हैं, इतना पानी होना चाहिए आपके चेस्ट तक का, ठीक है, इतना पानी रहेगा तो आप गिरोगे नहीं, आप इजीली खड़े हो पाओगे और इजीली आप स्विमिंग भी कर पाओगे। क्लियर, अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट आउट कर सकते हो। आपका जो सवाल था, आई होप कि आपको इस वीडियो में उसका जवाब अच्छे से मिल गया होगा और जो बिगिनर है उनको पता लग गया होगा कि कितने गहराई में हमें स्विमिंग करनी चाहिए। हाइट के अकॉर्डिंगली आपको इस हाइट पे पानी लेके पानी के लेवल पे स्विमिंग स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया सर, उसके बाद आप फ्लोटिंग करो, किकिंग करो, कुछ भी करो, मेन बात यह है कि आप गिरोगे नहीं, आपका पानी में बैलेंस बहुत जल्दी बन जाएगा। नहीं तो कहीं होगा कि मैं यही आता कि मेरा पानी में बैलेंस नहीं बनता, मैं गिर जाती हूँ, खड़ा नहीं हो पाती, उसका रीज़न ये है कि आपकी जो डीप है वो कम होती है और देन आप वो आपको बॉडी अपर बाहर ज़्यादा होता है, तो रीज़न ये रहता है। क्या होता है कि थोड़ा सा पानी नाक भी चले या कान भी चले, हम एकदम बाहर आके भागने की कोशिश करते हैं, तो जो नीचे वाला बॉडी पैर है वो तेज़ नहीं चलता, इसलिए ये इशू है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, आज के दिन काफ़ी, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो।